हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक पक्ष की चर्चा करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन है वो इकोनॉमिक लाइफ वो किस प्रकार की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है, और नगरीय सभ्यता का अस्तित्व है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर है वो एक उन्नत किस्म की जो कृषि अर्थव्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन हो, पशुपालन हो और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं वो विभिन्न प्रकार की दक्षता हासिल किए हुए हो और एक समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार हो। ये जब चीज़ें होती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वो नगरीय सभ्यता का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो सिंधु सभ्यता के जहाँ तक आर्थिक पक्ष की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता है वो व्यापार प्रधान और कृषि पर आधारित सभ्यता थी, जिसके प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता की विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जिस स्थल पर विकसित हुई वो उस समय है वो वहाँ पर है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर वो वर्षा होती थी, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी, नदियों द्वारा सिंचित जो एक प्रकार से जो जल है और विभिन्न प्रकार की जो उपजाऊ मिट्टी है वो वहाँ थी और जो जलवायु वो अनुकूल थी। लेकिन समय के अनुसार है वो सिंधुवासियों ने वो विभिन्न प्रकार के जो ईंटों को पकाने के लिए, इमारत बनाने के लिए वो बड़े पैमाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया, और लंबे अरसे तक जब कृषि का विस्तार हुआ और बड़े पैमाने पर चराई हुई तो ऐसी स्थिति के अंदर ईंधन के अंदर लकड़ी की खपत ज़्यादा हो गई, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर वन संपदा वो कम हो गई, और ऐसी स्थिति में वहाँ जो उर्वरकता है वो कम हो गई, और जो एक प्रकार से वहाँ का क्लाइमेट है वो चेंज हो गया, और आज वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन उस समय है वहाँ पर्याप्त मात्रा में है वो वर्षा होती थी, और सिंधु नदी है के विषय में तो ऐसा कहा जाता है कि वो इतनी अपने साथ इतनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वो लेकर के आती थी कि मिस्र की नील नदी से भी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जिस जहाँ भी विकसित हुई वहाँ पर है वो सिंचाई की और जो उर्वरा जो जो उपजाऊ मिट्टी है और जो सिंचाई की जो पर्याप्त व्यवस्था थी और जो जलवायु है वो फसल के लिए अनुकूल थी, और इसका फ़ायदा वो सिंधुवासियों ने उठाया। और सिंधुवासी जब जो ही बाढ़ है वो ख़त्म हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में बाढ़ के उतर जाने के बाद उस स्थान पर नवंबर के महीने के अंदर है वो बाढ़ वाले मैदानों के अंदर वो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो बो देते थे, और अगली बाढ़ आने से पहले ही अर्थात अप्रैल से पहले ही वो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं वो काट लेते थे। तो इस प्रकार सिंधुवासी बड़े समझदार थे इस मामले में, और सिंधुवासी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो उपजाते थे, जिसमें गेहूं और जौ है वो उनकी प्रमुख फसल थी। और गेहूं और जौ की विषय में कहा जाता है कि गेहूं सिंधु लोग हैं वो गेहूं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते थे, और गेहूं की दो किस्में हैं और जौ की दो किस्में हैं उसकी पैदा वो करते थे, और सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से वो गेहूं और जौ के प्रमाण मिलते हैं। तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गेहूं और जौ है वो सिंधु सभ्यता के वो प्रमुख खाद्यान्न थे। लेकिन इसके अलावा गेहूं और जौ के अतिरिक्त है वो खजूर है, सरसों है, तिल है, मटर है, राई है, बाजरा है, सरसों है आदि जो विभिन्न प्रकार की जो नौ फसलें हैं उनसे भी वो परिचित थे। उनकी भी उनकी जानकारी थी। और जैसे चावल के बारे में हम कहेंगे, चावल लोथल और रंगपुर में चावल की जो भूसी मिली है, और जहाँ तक कपास की बात है कि जो वस्त्र निर्माण है वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय था, और विश्व को जो कपास की खेती का परिचय कराने का जो श्रेय है वो सिंधुवासियों को जाता है। इसलिए सिंध जो यूनानी लोग हैं वो सिंधुवासियों को है वो सिंडन शब्द के नाम से पुकारते थे, क्योंकि कपास की खेती सबसे पहले वो जो सिंधु क्षेत्र के अंदर हुई, सिंधुवासियों के हुई। और जो सिंधु जो वासी हैं उनकी जो कपास की खेती का प्रमाण ये भी मिलता है कि एक मोहनजोदड़ो से एक चांदी के टुकड़े को कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का टुकड़ा मिलता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु काल के अंदर है वो कपास की खेती है वो होती थी। और जो खेती का प्रमाण ये है कि कालीबंगा में सिंधु संस्कृति के पूर्व स्तर पर जुते हुए खेत का अवशेष मिलता है, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम खेती का प्रमाण है। इसका मतलब सिंधु सभ्यता वो खेती करते थे, और जो हल है वो लकड़ी के होते, बनवाली से सिंधु सभ्यता में हमें मिट्टी का बना हुआ एक टेरिकोटा हल है वो मिलता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता है वो फसलों को उपजाने के लिए है, वो फसल को उपजाने के लिए है वो एक प्रकार से वो हल का प्रयोग करते थे। हल के अंदर जो फाल तो नहीं होती थी, लेकिन लकड़ी की रही हो, क्योंकि लोहे से वो परिचित नहीं थे,
और जो सिंधुवासी के जो हल है वो आदमी खींचते थे या पशु, इसकी तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फसल काटने के लिए वो शायद पत्थर की हँसियों का प्रयोग करते थे, और सिंचाई के लिए हालांकि नहरों का प्रयोग तो नहीं करते थे लेकिन पानी को संग्रह करके वो सिंचाई करने का वो काम है वो करते थे। तो सिंधुवासी जो एक प्रकार से जो सिंधुवासी अतिरिक्त उत्पादन करते थे, इसका प्रमाण हमें इस बात से भी मिलता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है जिसपे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा उलोथल है, तो वहाँ पे हमें क्या है कि जो अन्नागार मिले हैं, अनाज संग्रह करने के बड़े बड़े जो भंडार मिले हैं, जिसमें हड़प्पा के अंदर जो सबसे बड़ा भंडार मिलता है जो भूतल क्षेत्र से है वो 986 वर्ग मीटर का मिलता है, लोथल से भूतल क्षेत्र में क्षेत्र से 832 वर्ग मीटर का जो अन्नागार मिलता है, और मोहनजोदड़ो से 750 वर्ग मीटर का जो अन्नागार मिलता है। तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इतने बड़े अन्नागार, इसका मतलब जो विभिन्न विभिन्न स्थानों से है वो अनाज है वो संग्रहित करते होंगे, और अनाज संग्रह का प्रमुख उद्देश्य एक तो राजस्व के रूप के अंदर है वो अनाज का संग्रह करते होंगे, और फिर उस अनाज को है वो एक एक अनाज को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्रमिकों को देने के लिए है, और अकाल के समय है, संकट के समय उस अनाज का वो प्रयोग करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विशेष प्रकार के जो अन्नागार हैं वो इस बात का जो प्रतीक है कि सिंधवासी है वो एक प्रकार से अति उत्पादन करते थे। लोथल से चूहेदानी मिली है, तो चूहेदानी को भी हम कह सकते हैं कि अनाज की सुरक्षा के लिए वो चूहेदानी का इस्तेमाल करते थे। तो जो कृषि तकनीक, जो हड़प्पावासी है वो कृषि की तकनीक से परिचित थे, हल से परिचित थे, इसके कारण से वो जो नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं उनसे ज़्यादा वो उत्पादन करने के अंदर सक्षम हुए, और एक तरह से जो संस्कृति का सभ्यता में परिवर्तित करने का जो जो प्रमुख कारण है वो अतिरिक्त उत्पादन था, और जो 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 हल्की तकनीक थी उसके द्वारा वो अतिरिक्त उत्पादन कर सके, जिसके जिसके कारण से व्यापार वाणिज्य और विभिन्न प्रकार के शिल्पों का विकास संभव हुआ। तो इस प्रकार सिंधु काल के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के जो फसल है उसका जो उसकी पैदा करते थे। तो पशु जो सॉरी विभिन्न प्रकार की फसलों के साथ साथ है वो सिंधु काल के अंदर है वो सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के पशु है वो पालते थे। तो उन फसलों इन विभिन्न प्रकार के जो 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 पशु थे उन पशुओं के अंदर क्या है कि जो पालतू पशु के अंदर जो गाय है, बैल है, हाथी, ऊँट, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, हिरण आदि विभिन्न प्रकार के जो जो साक्ष्य हैं वो यहाँ की मुद्राओं पर, मिट्टी के मृदभांडों पर और विभिन्न प्रकार की हस्तियों से ये के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधवासी है वो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर वगैरह पालते थे, हाथी, ऊँट की हस्तियाँ भी मिलती हैं, मोरों पर विभिन्न प्रकार का अंकन मिलता है, कुत्ते बिल्ली का अंकन मिलता है, हिरण की विभिन्न प्रजातियों का ज्ञान था, सांबर है, हिरण है, चीतल है, कछुआ, मछली वो सिंधवासियों के भोजन के विभिन्न अंग थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, लेकिन ऊँट का और जो 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 गाय का है वो मोरों पर अंकन नहीं मिलता है, और जो घोड़े का जहाँ तक प्रमाण की बात हम करते हैं कि सिंधवासी है वो घोड़े से परिचित थे, तो घोड़े से जो जो परिचय है वो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधव जो जो वासी है उसमें जो घोड़ा है उसके अंदर क्या है कि जो लोथल से घोड़े की तीन मनमूर्तियाँ मिलती हैं, और घोड़े का जबड़ा मिलता है लोथल से, सुद कोकदा के अंदर घोड़े की हड्डियाँ मिलती है, रंगपुर से घोड़े की मनमूर्तियाँ मिलती हैं, राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिलते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधवासी है वो घोड़े से भी है वो परिचित थे, क्योंकि घोड़े के हमें प्रमाण मिलते हैं, और मिट्टी के बने घोड़े के जो प्रतिरूप है वो भी बड़ी संख्या के अंदर मिलती हैं। और तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु काल के अंदर जो न केवल कृषि है वो पर्याप्त मात्रा में होती थी, उन्नत स्थिति थी कृषि की, इसके साथ साथ जो पशुपालन है विभिन्न प्रकार के जो पशु है उनसे भी वो परिचित थे, और उनका पालन भी है वो कृषि के साथ साथ है, जैसे एज यूजुअल जो भी कृषि करने वाले वो पशु का पालन करते थे। इसके अलावा एक 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 यूनिकॉर्न नामक जो पशु है उसका भी उल्लेख हमें मिलता है, जो कि एक काल्पनिक पशु है वो जानना पड़ता है, एक श्रृंगी जो जिसको हम कह सकते हैं, एक श्रृंगी जो पशु है जिसके एक 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 सींग है, जिसको हम कई काल्पनिक पशु की संज्ञा वो देते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु काल के अंदर जो कृषि और पशुपालन है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर है वो था। कृषि पशुपालन के साथ साथ सिंधु काल के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग और शिल्प है वो भी एक तरह से नगरीय सभ्यता का आधार होता है, और सिंधु काल कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसके यहाँ के लोग हैं वो तांबा और टिन को मिला करके कांस्य बनाते थे, और इन दोनों धातुओं का कांस्य, तांबा और कांसा का उनको उनको नॉलेज था, और जहाँ तक विभिन्न प्रकार के जो धातु है उनका, हालांकि हर जगह ये धातु है वो हर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि एक तरह से ये प्रीशियस जो धातु सोना है
सिंधुवासी है, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी सिंधु सभ्यता, इसलिए सोना वो कर्नाटक और अफगानिस्तान से मंगाते थे, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे, तांबा राजस्थान के जो खेतड़ी है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मंगाते थे, टिन है मध्य एशिया और अफगानिस्तान से मंगाते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की धातुओं का है वो सिंधुवासी है, विभिन्न प्रकार एक प्रकार से वो आयात करते थे, और निर्यात करने के लिए जो मनके हैं, तांबा निर्मित जो उपकरण है, वस्त्र है आदि का वो निर्यात करते थे। तो जो एक तरह से सिंधुवासी विभिन्न प्रकार की धातुकला से परिचित थे, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार की जो कांसे से बनी हुई वस्तुएं और कांसे मूर्तियां मिली हैं, धातु के निर्मित जो मोम विधि के द्वारा है वो विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां बनाते हैं, जिसकी हम अलग तकनीकी विकास में हम आगे से अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बैल कुत्ते पक्षियों की जो मूर्तियाँ मिलती है, जो जो और विभिन्न प्रकार के जो 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 सोने की बने हुए जो आभूषण है वो भी हमें मिले हैं, चांदी के बने आभूषण भी हमें मिलते हैं। तो बर्तन बनाने की कला से सिंधु सभ्यता की प्रचलित थे, यहाँ के जो बर्तन लाल रंग के बर्तन है और उस पर काले रंग की धारियाँ मिलती हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो पोटरी हमें मिलती हैं, और एक विभिन्न प्रकार की जो मणियाँ जैसे जो जो बीड्स निर्माण कला से वो परिचित थे, जिसके अंदर चुनूदड़ों के अंदर मनके बनाने की कारखाना हमें मिलता है, तो जो लोथल के अंदर भी पूरी कार्यशाला मिलती है, और जो कालीबंगा से है वो चूड़ी निर्माण कला की पूरी कारखाना मिलती है। मोह निर्माण कला है वो सिंधु सभ्यता के अंदर विकसित अवस्था के अंदर थी, जिससे कि न केवल धार्मिक सिंधु सभ्यता की धार्मिक अवस्था की जानकारी मिलती है, अपितु व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है। लोथल और बालाकोट से शिप उद्योग है उसके प्रमाण मिलते हैं, और सूती वस्त्र की कताई बुनाई है वो भी अत्यंत विकसित स्थिति में थी, सूती कपड़े के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की जो मूर्ति है जो अलंकृत जो साल उड़े हुए दिखाए गए हैं, इसका इससे यह ज्ञात होता है कि सिंधुवासी है वो कढ़ाई के वस्त्रों का इस्तेमाल भी करते थे, और विभिन्न प्रकार के कपड़ों में विभिन्न प्रकार के रंग भी है वो करते थे। तो इस प्रकार सिंधु काल के अंदर विभिन्न प्रकार का जो जो शिल्प है, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है वो प्रचलन में था। इसके अलावा क्या है कि विभिन्न प्रकार के उद्योग और शिल्प विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के साथ साथ है व्यापार वाणिज्य भी है वो विकसित अवस्था में होना चाहिए, जो एक आर्थिक अवस्था का सूचक होता है। तो सिंधु काल के अंदर आंतरिक और विदेशी व्यापार एक तरह से विकसित अवस्था के अंदर था। आंतरिक जो विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वो आंतरिक व्यापार होता था, जिसपे बैलगाड़ियों का इस्तेमाल वो करते थे, जबकि जो प्रीशियस धातु है उनको विभिन्न प्रकार के जो आपके अफगानिस्तान ईरान मिसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था, तांबा खेतड़ी से जैसे मैंने बताया, जो आपके सोना है वो कर्नाटक मैसूर से होता था, और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, जो बहुमूल्य पत्थर है नीलम महाराष्ट्र से मंगाया जाता था, संगमरमर राजस्थान से मंगाया जाता था, श्वेतवणी स्फुटिक है जो इंद्रकूप है वो सौराष्ट्र गुजरात से मंगाया जाता था। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक व्यापार भी था, विदेशी व्यापार भी था, और सिंधु सभ्यता का विदेशी जो समकालीन सभ्यताओं से संबंध था इसका जो प्रमाण है वो मिसोपोटामिया के साहित्यिक साक्ष्य से मिलती है। तो मिसोपोटामिया के अंदर एक सिंधु वासियों की एक व्यापारिक बस्ती मिलती है, और सिंधु मिसोपोटामिया के जो एक अभिलेख मिलता है जिसमें दिलमुन माकन और मेलुआ तीन शब्द मिलते हैं, जिसमें दिलमुन का जो समीकरण है मेलुआ का समीकरण है वो एक प्रकार से है वो भारत से किया गया है, दिलमुन का जो आपका जो जो कहना चाहिए बहरीन से है, और माकन का है वो ओमान से वो किया गया है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समकालीन सभ्यताओं से है वो व्यापारिक संपर्क है वो था। मिसोपोटामिया की जो 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 भोरे हैं पांच बेलाकार भोरे मोहनजोदड़ो से मिली है, और जो फारस की जो ईरान की जो संगमरमर की जो भोरे हैं वो भी मिलती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से है वो सिंधु सभ्यता का जो समकालीन सभ्यता है उनसे व्यापारिक संबंध था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आपका जो फारस के साथ है, क्योंकि फारस की जो संगमरमर की मोहर है मिसोपोटामिया की जो बेलाकार मोहर है मोहनजोदड़ो से मिली है, और फारस की जो संगमरमर की मोहर है वो लोथल से मिली है। तो इस प्रकार ये मोहरों का इस प्रकार एक दूसरे स्थान पे मिलना समकालीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध को सिद्ध करता है। मिसोपोटामिया से प्राप्त मोहरें और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर को जो चित्रांकन है उसमें समानता दिखाई देती है। जैसे एक सरंगी जो बैल मैंने बात की जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, कुकुदमान वर्षभ है, वो मिसोपोटामिया की मोहर और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर समान रूप से मिलता है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि एक इनमें दोनों व्यापारिक संबंध था। मिसोपोटामिया मोहनजोदड़ो की एक ऐसी मोहर मिली जिस पर एक व्यक्ति को टाइगर के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है, तो इस तरह का चित्रण है वो अन्य हड़पाई मोहर पर नहीं मिलता है। तो सर जॉन मार्शल का मानना है कि जो मिसोपोटामिया को या सिंधु सभ्यता उसकी प्रेरणा बेबिलोनिया के माकावे गिलगमिश से मिली है,
और इस साक्ष्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का बेबीलोनिया के साथ भी व्यापारिक संबंध था, जो आपका सुमेर के साथ भी व्यापारिक संबंध था, उर के साथ, मेसोपोटामिया के साथ जो जो व्यापारिक संबंध था, बेबीलोनिया के साथ व्यापारिक संबंध था, जो लोथल के अंदर एक बंदरगाह मिलता है, डाकयार्ड मिला है, और लोथल पर एक मोहर है जिस पर जहाज़ का अंकन है, और मोहनजोदड़ो से नावों के जो साक्ष्य मिलते हैं, और लोथल से मिट्टी के बनाए एक जहाज़ का नमूना वो मिलता है। तो इसका आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का वो जो 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 समकालीन सभ्यताएं हैं उनके साथ जलीय व्यापार था। सूत का जंडोर है उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो जो समुद्र तट पर स्थित था। तो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के मध्य जो एक व्यापारिक चौकी है वो सूत का जंडोर को कहा जाता है, जिसके माध्यम से मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापार होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु विभिन्न प्रकार के साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार वो समुद्रिक मार्ग के द्वारा होता था, मतलब सी रूट के द्वारा भी व्यापार संपर्क होता था। तो हम ये इसे भी कह सकते हैं कि उर की जो शाही कब्रें हैं उसमें हड़प्पा के बने हुए जो तांबे के श्रृंगारदान मेकअप बॉक्स मिलते हैं, और उससे ये सिद्ध होता है कि सिंधु वासियों का उर के साथ वो व्यापारिक संबंध था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का है वो समकालीन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। तो उस व्यापारिक संबंध के आधार पर हम कह सकते हैं कि जलीय व्यापार है वो जिसमें लोथल के अंदर गोदीवाड़ा, सूत का जंडोर, बालाकोट का उपयोग जलीय व्यापार हेतु किया जाता था। लोथल में मिट्टी का बना जहाज जैसे मैंने चर्चा की, और मोहर पर जो जहाज का अंकन है जो जलीय व्यापार को घोषित करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु काल के अंदर न केवल आंतरिक व्यापार अपितु बाह्य व्यापार है वो जलमार्ग के द्वारा भी होता था। तो सिंधु काल के अंदर जो हस्तशिल्प धातु कला है वो एक पर्याप्त मात्रा में विकसित अवस्था के अंदर थी। तो इस आधार पर सूती वस्त्र उद्योग है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं उसमें विविधता थी, व्यापार वाणिज्य है वो समकालीन सभ्यताओं से होता था, और कृषि और पशुपालन उन्नत अवस्था में था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता है उसको नगरीय सभ्यता के रूप में या एक सभ्यता के रूप में जो परिणित करने का जो श्रेय है वो अतिरिक्त उत्पादन और जो कृषि की जो तकनीक है उससे जो परिचित होना और पर्याप्त मात्रा के अंदर जल की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में जो क्या कहना चाहिए उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता है उसके कारण से है, वो कृषि का अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण से वो व्यापार वाणिज्य और विभिन्न प्रकार के उद्योग शिल्प विकसित हुए, और विभिन्न प्रकार के उद्योग शिल्प के कारण से जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ उससे व्यापार वाणिज्य विकसित हुआ, और व्यापार वाणिज्य विकसित होने के कारण से है वो सिंधु सभ्यता वो एक नगरीय सभ्यता के रूप में है वो विकसित हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।